दोस्तों, पिछले हफ्ते कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC की तरफ से GD कांस्टेबल के 25,271 पदों पर बम्पर भर्तियों को निकाला गया था, जिसके लिए युवाओं द्वारा आवेदन भरे जा रहे हैं। लेकिन जो अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं, उनको अपना फॉर्म भरते समय आयोग की नई गाइडलाइन के अनुसार एक अहम बात का ध्यान देना होगा, नहीं तो उनके फॉर्म को रद्द कर दिया जाएगा और वे परीक्षा में भाग नहीं ले सकेंगे, जिसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बगल की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही सेना भर्ती से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, SSC GD कांस्टेबल भर्ती के लिए जो अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं, उनको कई बातों का ध्यान देना होगा, नहीं तो उनके फॉर्म को रद्द कर दिया जाएगा। इसमें सबसे जरूरी है फोटो, जिसे कि अभ्यर्थी को आयोग की नई गाइडलाइन के मुताबिक लगाना होगा। दरअसल आयोग ने इस बार GD कांस्टेबल की भर्ती के लिए आवेदन करते समय अपलोड की जाने वाली फोटो में तारीख को डालना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही आयोग ने नोटिफिकेशन में यह भी कहा है कि अपलोड की गई फोटो को नोटिफिकेशन जारी करने की तारीख यानी कि 17 जुलाई 2021 से 3 महीने ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, और जो अगर ऐसी गलती कोई अभ्यर्थी करता है तो उसके फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा, जिससे वो अभ्यर्थी परीक्षा में भी शामिल नहीं हो पाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह है कि आवेदन से पहले नोटिफिकेशन में दी गई सारी डिटेल्स को चेक कर लेंगे, ताकि उनसे फॉर्म भरने में किसी प्रकार की गलती न हो। दोस्तों, आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आयोग की तरफ से निर्धारित तारीख के बाद फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसी ही सेना भर्ती की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।